हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अविरल और आप देख रहे हैं इस वक्त यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ऑल अबाउट ओलंपिया। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी टॉपिक के ऊपर, जो कि है पुलम्बोइज्म। आई होप काफ़ी सारे लोग आप में से जानते होंगे कि ये क्या होता है। कई लोग इसमें कन्फ्यूज भी होंगे कि बबल गट और पुलम्बोइज्म का क्या रिलेशन है, क्या ये चीज़ एक है या अलग है। तो आज मैं थोड़ा बहुत आपको इस वीडियो के अंदर क्लैरिफाई करूँगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पुलम्बोइज्म क्या होता है, दूसरा पुलम्बोइज्म वर्ड ये लिया कहाँ से गया, और तीसरा पुलम्बोइज्म किन किन कारणों से होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पुलम्बोइज्म क्या है। पुलम्बोइज्म एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसके अंदर आपका गट बाहर निकल आता है, यानी आपका पेट बाहर निकल आता है और आपके हाथ पैर जो है वो छोटे हो जाते हैं, श्रिंक करना शुरू कर देते हैं, आपके हाथ पैरों के मसल्स श्रिंक करना शुरू कर देते हैं। दूसरा, ये वर्ड आया कहाँ से। पुलम्बोइज्म आया है देव पुलम्बो के सरनेम से। देव पुलम्बो एक रिटायर्ड अमेरिकन नॉन प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर रह चुके हैं, जो कि rxmuscle.com के ओनर है, आप में से कई लोग जानते होंगे शायद। और rxmuscle.com पे वो NPC लाइव कवरेजेस वगैरह है, बॉडी बिल्डिंग शोज़ की कवरेजेस वगैरह डालते हैं। बाकी इसके साथ साथ वो बॉडी बिल्डर्स के इंटरव्यूज़ वगैरह भी लेते हैं। लेट 90s में ये पाया गया कि देव पुलम्बो के अंदर ये बीमारी थी, उनका गट काफ़ी भार आ गया था और उनके हाथ पर श्रिंक होने शुरू हो गए थे। तो इस वजह से सबसे पहले उनमें यह हार्मोनल डिसऑर्डर देखा गया और इसीलिए इसको नाम दिया गया पुलम्बोइज्म उनके सरनेम पे। तीसरा, पुलम्बोइज्म किन किन कारणों से होता है। इसका जो मेजर और प्राइमरी रीज़न है वो है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की कंजम्पशन से। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH भी कहते हैं उसको, वो काफ़ी सारे बॉडी बिल्डर्स कंज्यूम करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ देव पुलम्बो ने करा। लेकिन ये जो डिसऑर्डर हुआ उनको, ये रेयर डिसऑर्डर है, ये सबको नहीं होता, कंज्यूम सभी लोग करते हैं लेकिन सबको नहीं होता। लेकिन इसका प्राइमरी रीज़न ये है कि HGH की वजह से हो सकता है। ये मैंने आपको तीन पॉइंट्स बताए कि पुलम्बोइज्म क्या है, पुलम्बोइज्म वर्ड लिया कहाँ से गया, और तीसरा पुलम्बोइज्म किन किन कारणों से होता है। अब मैं आपको थोड़े बहुत इसके डाउट्स क्लियर कर देता हूँ, यानी कि कुछ मिथ्स जो पुलम्बोइज्म को लेकर है। वो फर्स्ट मिथ ये है कि पुलम्बोइज्म एक बीमारी है। जी नहीं, पुलम्बोइज्म एक बीमारी नहीं है, ये जस्ट एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जो कि उस टाइम पे हो जाता है अगर बॉडी बिल्डर्स को, जब वो गियर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं अपनी बॉडी पे। लेकिन जब वो रिटायर करते हैं तो ये सब दिक्कतें उनके साथ नहीं रहती, तो ये हमेशा के लिए नहीं रहता, इसलिए कोई डिसीज़ नहीं है। दूसरा, पुलम्बोइज्म का मतलब बबल गट होता है और ये हमेशा ग्रोथ हार्मोन के कारण होता ही होता है। नहीं, पुलम्बोइज्म ग्रोथ हार्मोन के कारण होता है लेकिन कोई कंपल्सरी नहीं है, कोई कंपल्सरी नहीं है कि उसकी वजह से हो ही हो। तो ये इसका मिथ है। तीसरा, कि ग्रोथ हार्मोन्स सिर्फ आजकल के बॉडी बिल्डर्स ही यूज़ करते हैं। जी नहीं, ग्रोथ हार्मोन्स अर्ली 1960s या 1970s में भी यूज़ किया जाता था, यानी कि जो आपके पुराने बॉडी बिल्डर्स हो गए वो भी इन्हें यूज़ करते थे। लेकिन वो लोग इतनी कम क्वांटिटी में यूज़ करते थे कि उनकी फ़िज़िक काफ़ी अच्छी लगती थी, वेल बैलेंस्ड फिज़िक थी और लगता नहीं था। तो ये भी एक मिथ है कि पुराने बॉडी बिल्डर्स इसको यूज़ नहीं करते थे। बाकी अब मैं आपको थोड़ा बहुत देव पुलम्बो के ऊपर बताता हूँ कि स्टार्टिंग में अगर आप इनकी फ़ोटोज़ देखें, ये अर्ली 90s की है, तो इसमें इनकी जो फिज़िक है वेल बैलेंस्ड है और एकदम अच्छी लग रही है बेसिकली। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, 95 आया, 96 आया, तो 1996 में इनकी बॉडी बहुत ओवरऑल वेल बैलेंस्ड और मोस्ट मस्कुलर लग रही थी। और मैं आपको बता दूं कि रोनी कोलमैन, डोरी नेट्स के बाद यही मस्कुलर गाय माने गए हैं, क्योंकि इनकी हाइट 5'9" है और इनका जो वेट था वो 275 के अराउंड ये कम्पीट करते थे, और ऑफ सीज़न वेट इनका 300+ pounds चला जाया करता था। लेकिन जब आप इन फ़ोटोज़ को देखते हैं, जो कि 99 के अराउंड की ये फ़ोटो है, तो 99 की वाली फ़ोटो आप देखिए और इसमें इनकी फ़िज़िक क्लियरली दिख रहा है कि पुलम्बोइज्म का केस है ये, इनका पेट बाहर आ गया है, इनके हाथ पर छोटे हो गए हैं, तो इसीलिए ये नाम दिया गया पुलम्बोइज्म। इसके बाद हम देखते हैं इस फ़ोटो को, ये फ़ोटो है 2003 की, इसमें तो इनकी फ़िज़िक एब्सोल्यूट वर्स्ट लग रही है। तो आपने देखा कि देव पुलम्बो 90s में, अर्ली 90s में कैसे थे और 2003 तक आते आते कैसे हो गए। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा क्या होता है। ये कॉमन नहीं है, ये हार्मोनल डिसऑर्डर है। गट तो बहुत लोगों का होता है, गट तो आप देखिए सबसे पहले देखा गया था डोरी नेट्स के अंदर, फिर रोनी कोलमैन आए, आजकल फिलीथ हो गया, रोली विंटलर हो गया, इवन बिग रैमी, डेक्सटर जैक्सन, सबके पास गट है। लेकिन ये रिवर्सिबल है, वापस अंदर चला जाएगा, परमानेंट नहीं है। और जहाँ तक बात रही ग्रोथ हार्मोन्स कंज्यूम करने की, तो ग्रोथ हार्मोन्स तो सारे बॉडी बिल्डर्स करते हैं कंज्यूम, लेकिन इन सबको कोई पुलम्बोइज्म तो नहीं है। इनका पेट ज़रूर भर आ गया है, लेकिन अगर पुलम्बोइज्म होता तो इनके हाथ पैर भी श्रिंक होते, जो नहीं हुए। आई होप आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे बबल गट को और पुलम्बोइज्म को लेकर। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आई तो उसको लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा,
अगर सही में आपको अच्छी लगती हो मेरी वीडियोस तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू।